गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, पेज नंबर 8। फर्स्ट वर्ड है फार। फार मिस होता है दूर, एंड मिस और नियर होता है नज़दीक। आपको हर एक बॉक्स में दो पिक्चर्स दे रखी है। इसमें पूछता है द बॉय, इसमें फार कौन है और नियर कौन है, इसने दिखा रखा है। यानी कि ये उस नदी का, नहर का किनारा, इसके नज़दीक तो ये बॉय है और ये वाला दूर आपकी बोट है। इसी प्रकार ये दिखाया कि हाउस, सपोज करो आपका घर है, आप घर के नज़दीक हैं तो आप नज़दीक हैं यानी कि नियर हैं, और फार कौन है, जो आपकी काऊ है वो बहुत ज़्यादा घर से दूर है, तो ये फासला हो गया। ज़्यादा फासला उसको फार कहते हैं और थोड़ी दूरी हो घर से उसको नियर कहते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये घर है और घर से मोटरसाइकिल लेकर आप निकले हैं, घर वाले निकले हैं, तो इसका मतलब घर के नज़दीक मोटरसाइकिल है, तो ये वाला टिक करेंगे। और फार यानी कि इस घर से ये गाड़ी काफ़ी दूर है, यहाँ पर ये क्रॉस का निशान आप लगाएंगे। नीचे वाला खुद करेंगे। टॉप, टॉप होता है, वर्ड है टॉप। टॉप मिस ऊपर, या इसको हम ऊंचा भी कह सकते हैं। बॉटम तली, या इसको हम नीचे कह सकते हैं। अब आपने देखा हेयर इज ए ट्री, एक पेड़ है, और पेड़ के ऊपर आपने देखा टॉप पे पक्षी आमतौर पर पेड़ के ऊपर ही बैठते हैं, और इस तली के अंदर बॉटम में क्या शब्द है इसको आप बोलेंगे, बॉटम, BOTTOM, बॉटम तली या नीचे। तो अभी बर्ड ऑन द टॉप ऑफ ट्री, द स्नैक बॉटम यानी कि वृक्ष के तले में है। अब यहाँ पर आपने देखा बिल्ली उस चेयर के ऊपर है यानी कि टॉप पे है, और चेयर के नीचे कौन है, अंडर बॉल है। द बैलून इज फ्लाइंग अबोव द स्काई, ये उड़ रहा है। द काइट इज फ्लाइंग बिलो द बैलून, और ये पतंग है इस बैलून के नीचे है। अब आफ्टर आप पहले कर चुके हैं, आफ्टर मीन बाद में, बिफोर मीन पहले, एंड इन बिटवीन मीन बीच में। इनकी स्पेलिंग भी और इनकी मीनिंग भी याद करने, आफ्टर मीन बाद में, बिफोर मीन पहले, एंड बिटवीन मीन बीच में, इसकी पूरी डिटेल है वो कल हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट 2 से लेकर 10 तक टेबल्स इसके आगे वाले पेज पे लिखेंगे और ये वाले कंप्लीट करेंगे विद कलर पेंसिल। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।